दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है दोस्तों, वो हमारे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सर्च के यहाँ पे कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी हमारा नाम शो नहीं होता है। और काफ़ी सारा चीज़ मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा जो T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है दोस्तों, वो हमारे स्मार्टफोन के साथ, हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारे मैंने चीज़ यहाँ पर ट्राई कर लिया। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम है, आपने भी जो है T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच खरीदा है और आपका भी जो स्मार्ट वॉच है दोस्तों, वो आपके फोन के साथ, आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा ना, उस तरीके की मदद से आपका जो T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है, वो 110% दोस्तों एक बार में ही कनेक्ट होगा, और एक बार में ही दोस्तों आप लोग कनेक्ट करके इसको पूरा सेटअप कर पाओगे और यूज कर पाओगे। तो कैसे क्या करना है दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने ये जो T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है, वो कितना में खरीदा है और कहां से खरीदा है, ऑफलाइन खरीदा है या फिर ऑनलाइन खरीदा है, तो कमेंट करके आपने जरूर बता देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा यहां पे हम आपका समय नहीं लेता। तो दोस्तों करना क्या, करना यह है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का आपका जो स्मार्ट वॉच है, उसको ये वाला जो बटन है, इसको एक बार इस तरीके से प्रेस करना है, फिर से एक बार इस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से प्रेस करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पे ढूंढना है सी वाला ऑप्शन। यहां पे आप लोग देख सकते हैं सी का ये जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, तो इस पर टैप करना, और सबसे पहले दोस्तों आप लोग आपका जो स्मार्ट वॉच है, इसको इस तरीके से रीसेट करना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी आपका जो स्मार्ट वॉच है T800 अल्ट्रा, यहाँ पे रीसेट हो रहा है, ठीक है। रीसेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ से रिस्टार्ट भी हो चुका है, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है, वो यहाँ से रीसेट हो चुका है। अभी दोस्तों आ जाना आप आपके फोन में, ठीक है, आपके फोन में आना, ये एप्लीकेशन आपके फोन में है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप लोग को अनइंस्टॉल कर देना, अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग आ जाना आपके मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे, यहाँ पे सर्च पे टैप करना है, और यहाँ पे लिखना है हाई वॉच प्रो, ये लिख के आप लोगों को सर्च करना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आ जाएगा, तो इस पर टैप करना, और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन है, इसको सबसे पहले आप लोगों को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है। तो मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा 5G का स्पीड है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी यहाँ पे हो जाता है। अभी देख सकते हो आ चुका है, तो यहाँ से सिंपल से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों वेट करना है, और यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा, सभी परमिशन को आप लोगों को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सेट पे क्लिक करना है। सेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग जो है बिन डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर, इस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग ये करना पड़ेगा कि आप लोगों को आपके मोबाइल फोन को जो सेटिंग है उसको ओपन करना। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ के ऑप्शंस पे आ जाना, और यहाँ से दोस्तों ब्लूटूथ का ये जो ऑप्शंस, इसको इस तरीके से आप लोगों को इनेबल करना। ब्लूटूथ आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे जो है मोबाइल में ऑन नहीं होते ऑटोमेटिक, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ से जो है बैक आ जाना, ठीक है। बैक आने के बाद अभी फिर से आ जाना आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को सेट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है बिन डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा परमिशन मांगेगा। यहाँ पे सभी परमिशन को अलाउ करना है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि परमिशन वो नहीं दे पाते, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अलाउ पे क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे सर्च कर रहा है, और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जितना सारा भी हमारे पास नियरेस्ट में स्मार्ट वॉच है, वो सारा लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, T800 अल्ट्रा यहाँ पे जो लिखा हुआ, इस पर टैप करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्राइंग टू कनेक्ट लिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक देख सकते हो कंप्लीट भी हो चुका है, और यहाँ पे तीन और बचा हुआ है। तो जब तक ये तीनों हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक हमारा प्रॉपर तरीके से जो है हमारा स्मार्ट वॉच जो है हमारे स्मार्टफोन से फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कनेक्ट भी हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन में T800 अल्ट्रा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो T800 अल्ट्रा यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड हमारा यहाँ पे बता रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ये भी चेक करना है, आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद ब्लूटूथ पे, ब्लूटूथ के ऑप्शन जो है इस पे आ जाना है, और यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो T800 अल्ट्रा कनेक्टेड यहाँ पे हमारा दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों अभी जो है फाइनली दोस्तों हमारा स्मार्ट वॉच हमारे स्मार्टफोन के साथ जो है पेयर हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं हो रहा था, पेयर नहीं हो रहा था, तो आप लोग इसी तरीके से यूज़ करके आप लोग जो है कनेक्ट कर सकते हो, पेयर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लेके आते रहता हूँ, जो कि आप लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल वाला जॉन।